पशुहाट मालिक लक्ष्मी नारायण उपाध्याय की पुण्यतिथि पर गरीबों को खिलाया गया भोजन एवं बांटे गए कंबल। वैसे तो हर कोई अपने पिता को बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए गरीबों का भला करने में पीछे रहते हैं। कई वर्षों पुरानी पचोकरा पशुहाट के मालिक लक्ष्मी नारायण की नवी पुण्यतिथि पर उनके भाई पंडित जगत नारायण उपाध्याय और उनके पुत्र ब्रजेश उपाध्याय ने न केवल गरीबों का पेट भरा बल्कि सर्दी से बचने के लिए उन्हें गर्म कंबल भी वितरित किए। पचोकरा पशुहाट को आज देश भर में लोग जानते हैं। इसकी पशुहाट की स्थापना लक्ष्मी नारायण उपाध्याय ने की थी। पेट स्थापित करने के साथ ही उन्होंने आसपास के क्षेत्र के गरीबों को रोजगार देने का भी काम किया था। जो भी उनके यहाँ फरियाद लेकर आता था वो उनकी मदद करने में हर समय तैयार रहते थे। पचोकरा पशुहाट का संचालन उनकी मौत के बाद उनके भाई जगत नारायण उपाध्याय ने किया। उसके बाद उनके पुत्र ब्रजेश उपाध्याय भी कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपने आवास पर गरीबों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लोगों ने दुआएं दी। कंबल लेने वाले गरीबों को भोजन भी कराया गया। इस मौके पर विजय कपिल संतोष उपाध्याय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।